हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि से। तो हमारे इंडिया में कितना पॉपुलेशन है आप लोगों को तो पता है, और हमारे इंडिया को पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही कंट्री पीछे छोड़ सकती है, वो है कंट्री, वो है चाइना। लेकिन अब इंडिया एक चीज में बहुत आगे बढ़ गया, वो है वेब सीरीज में। पूरे एशिया में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और आप गूगल में भी सर्च होगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया सबसे ज्यादा वेब सीरीज बनाने में आगे है, और उसी का नतीजा है ये वेब सीरीज फिक्सर। ये तो आपने अल्ड बालाजी की वेब सीरीज जब भी आती तो कुछ जो होप होता है वो होप तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो हाल फिलहाल में कुछ ऐसी वेब सीरीज आई है, चाहे मिशन ओवर मार्स हो या द वर्डिट हो, तो वो वेब सीरीज देखने में मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, अल्ड बालाजी फाइनली ट्रैक पे आ गए। लेकिन जब फिक्सर वेब सीरीज देखा तो मुझे पर्सनली फील हुआ कि नहीं यार, अल्ड बालाजी को अभी भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इस वेब सीरीज में हमें 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड की लेंथ लगभग 27 मिनट से 18 मिनट के बीच में ही, लेंथ ज्यादा कुछ नहीं है। और इसमें हमें नजर आते शब्बीर आलूवाले। शब्बीर आलूवाले को टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत लोग पसंद करते हैं, ये इनकी पहली वेब सीरीज है। इसके अलावा इसमें तिग्मांशु धूलिया है। तिग्मांशु धूलिया वन ऑफ दी बेस्ट एक्टर्स है। अगर आपने इनकी गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होगी तो जिसमें उन्होंने रामाधीर सिंह का जो परफॉर्मेंस दिया, वो परफॉर्मेंस लाजवाब है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉलीवुड वाले या इंडस्ट्री वाले उनको ज्यादा सीरियसली लेते नहीं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है प्लस बहुत अच्छे एक्टर भी है। लेकिन ये वेब सीरीज देख के आपको कहीं ना कहीं निराश होगा कि तिग्मांशु धूलिया किस तरीके का रोल प्ले करे, मतलब उनको एकदम चूतिया वाला रोल दे दिए, जो मतलब मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा अपसेट हुआ। और माही लील की बात करें तो एज यूजुअल उनका रोल का कोई मतलब ही नहीं है, वो बस वही काम करे जो सेंसुअल या सेक्सुअल जो भी आप बोल सकते हो, वही काम करने के लिए थी इस वेब सीरीज में। वो क्यों थी, किस वजह से थी, क्या कर रही थी, कुछ मतलब ही नहीं था। और ईशा कोप्पिकर की बात करें तो ईशा कोप्पिकर ने वही रोल प्ले किया जो उसने क्या कूले हम में किया था, जो मराठी पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया, जिस तरीके से वो गाली गलौज जो उसका एक्सेंट था मराठी का, बिल्कुल उसी तरीके से उसने यहाँ पे परफॉर्म किया। लेकिन क्या कूल है हमें, उसने इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। वेब सीरीज की कहानी शुरू होती है न्यू दिल्ली से, जहां पर शब्बीर आलूवाले रोल प्ले कर एक पुलिस इंस्पेक्टर का, उनका नाम है मलिक। वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, लेकिन यही ईमानदारी उनकी भारी पड़ जाती है जब वो एनकाउंटर में किसी गैंगस्टर के बजाय उसकी वाइफ को मार देते थे, इसी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड होने के बाद वो सोचते कि अब मैं क्या करूंगा, तो तभी उनको एक बिजनेसमैन का कॉल आता है कि यार तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, लेकिन अगर तुम ईमानदारी अपनी छोड़ चुके हो तो ही मैं उसको अपना काम बताऊंगा। तो वो सोचता है कि ईमानदारी तो बहुत कर ली, आप कुछ बेईमानी करेंगे। तो इसी चलते वो उसको मुंबई जाते, मुंबई जाने के बाद वो अपना एक पहला प्रोजेक्ट सॉल्व करते हैं जहां पे उनको मोटी रकम मिलती है। तो इसके बाद वो एक बड़े फिक्सर बन जाते हैं। फिक्सर यानी कि बहुत से जो करोड़पति होते हैं मुंबई में, जाने करोड़पति अरबपति, चाहे वो डायरेक्टर हो फिल्म के या पॉलिटिशियन हो या कोई स्वामी बाबा हो, तो उन लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसके एवरेज में वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन जब पैसा कमाओ तो दुश्मन भी आप लोग कमा लेते हो, एज भी सबको पता है कि जहां पैसा वहां दुश्मन होते हैं। तो एज यूजुअल वो दुश्मन कमाने लगता है, दुश्मन कमाते कमाते इतने दुश्मन उसके बढ़ जाते कि कोई ऐसा इंसान है जो उसको पीछे गोलियां मारता है, वो गोली मारता को नहीं, चाहे क्या है वो कोई उनका अपना है या वो जो फिक्सिंग करते तो उनका कोई दुश्मन है, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये वेब सीरीज में जो कॉन्सेप्ट है अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन जो इसका एग्जीक्यूशन है मुझे कहीं ना कहीं एक एंगल पे जाके ना आपका दिमाग जो है ना फट जाता है, क्योंकि इसमें 12 एपिसोड है, एपिसोड की लेंथ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस वेब सीरीज में 8 एपिसोड होते ना या 10 होते तो ये वेब सीरीज फिर भी अच्छी होती, क्योंकि जो 7th और 8th एपिसोड मुझे याद आ रहा है, मुझे पर्सनली बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा था यार, बर्दाश्त के बाहर था। तो मेरे हिसाब से 2-3 एपिसोड इसके कम होना ही चाहिए था। तो बेसिकली ये वेब सीरीज एक एडल्ट कॉमेडी वेब सीरीज, इसमें एक्शन का तड़का डाल देगा, बहुत सारे इसमें एडल्ट सीन देखने को मिले। पर्सनली एक एडल्ट सीन देख के तो मैं कुछ शॉक्ड हो गया, वो था एरोप्लेन का सीन, जहाँ पे एयर होस्टेस और शब्बीर आलूवाले का जो सीन था। ये सब जो सीन्स डालते हैं ये लोगों को थोड़ा एक्साइट करने के डालते हैं एडल्ट सीन, और अल्ड बालाजी की वेब सीरीज में तो एडल्ट सीन्स होते ही है, और इसमें भी है, और गाली के सीन्स भी बहुत है। ये वेब सीरीज फैमिली एंटरटेनिंग शो कहीं से भी नहीं है, और बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात करें तो मेरे पर्सनल तो मैं बहुत सारी वेब सीरीज देखता हूँ, मुझे ये टाइम पास वेब सीरीज लगी, मुझे कुछ भी ऐसा इसमें अच्छा नहीं लगा जो मैं आप लोगों को बता सकूँ, सिर्फ शब्बीर आलूवाले के परफॉर्मेंस के अलावा। तिग्मांशु धूलिया का परफॉर्मेंस यहाँ पे चूतिया वाला परफॉर्मेंस दिया गया है। तो यार मेरे हिसाब से तो एक टाइम पास वेब सीरीज है, अगर आप लोग को ये वेब सीरीज देखते हैं तो आप इसको जरूर देख सकते हैं। और मेरे जो एकदम जो मैं 2-3 सब्सक्राइबर जो मुझे बहुत ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मैं उन लोगों को इतना ही बोलूंगा कि भाई आप लोगों को अगर टाइम पास करना है तो इस वेब सीरीज को देखना, अदरवाइज आप शब्बीर आलूवाले के फैन है तो आप जरूर देखना, तिग्मांशु धूलिया के फैन है तो इस वेब सीरीज को बिल्कुल ना देखना, क्योंकि तिग्मांशु धूलिया ने यहाँ पर टाइम वेस्ट किया यार, उनको पता नहीं ये रोल क्यों दे देंगे, बताओ इतने अच्छे एक्टर है लेकिन यहाँ पर उनको चूतिया वाला काम दिया गया। तो प्लीज तिग्मांशु धूलिया के फैन इस वेब सीरीज को स्किप करें, अदरवाइज ये वेब सीरीज सिर्फ टाइम पास है, अगर आपको टाइम पास करना तो आप जरूर देखना, और अगर आप देख चुके हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, और गाली देना तो बिंदास दो, आप लोग के लिए तो बैठा हो यार, और प्यार देना तो बिंदास प्यार दो। तो मैं मिलूंगा आपसे कल की सिनेमा वीडियो में, टिल देन।